हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा पंडित फ्रॉम सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फरुखनगर गुरुग्राम। आई एम अगेन हियर फॉर प्रेजेंटिंग अ लेक्चर ऑन फ्लो थ्रू पाइप्स। दिस इज यूनिट नंबर 3, मॉड्यूल 3। दिस इज माय लेक्चर नंबर 10 अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So I already made 2 lectures about this particular unit that covers some numerical and theoretical portion, and this is about the same topics but having some different type of problems. So today I will just take power in transmission through pipes. Okay. So I will start some theoretical portion with the help of slides. Okay, so this is also a theoretical topic. What is power transmission through pipes? The topic is this. You can make your own notes and write it on your notebook. So power is transmitted through pipes by flowing water or other liquid flowing through them. Okay, power transmitted through pipes by flowing water or other liquid through them. आप जब किसी पाइप या किसी कॉन्ड्यूट या किसी ओपन चैनल से इनलेट या आउटलेट पर जो उसकी पावर जनरेशन है वो निकालते हैं, तो इसके लिए जो फ्लोइंग वाटर जिस एनर्जी से फ्लो कर रहा है वो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। द पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड्स अपॉन, पावर ट्रांसमिशन किस पे डिपेंड करता है? द वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एंड टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप। इसका मतलब ये है कि जो पानी फ्लो कर रहा है उसका स्पेसिफिक वेट क्या है, वेट क्या है, एंड इनलेट पे जो उसका हेड था, इसके बाद जब पानी पाइप में फ्लो किया तो फ्रिक्शन हेड या फ्रिक्शनल लॉस उसमें कितना हुआ है, उसमें माइनर लॉसेस कितने हुए हैं या मेजर लॉसेस कितने हुए हैं, और एंड ऑफ द पाइप पर उसका हेड क्या है या उसकी एनर्जी कितनी है, उस पर उसका पावर ट्रांसमिशन डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, इनलेट पे किस एनर्जी के साथ पानी आ रहा है और आउटलेट पे उसकी एनर्जी क्या है, इस पे इसका पावर ट्रांसमिशन डिपेंड्स। ओके, सो पावर अवेलेबल एट द एंड ऑफ बी ऑफ अ पाइप एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर विल बी ऑब्टेन्ड एज मेंशन्ड बिलो। आप एक फिगर देखिए, दिस इज अ फिगर, दिस इज अ टैंक। ओके, इसमें एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप में इनलेट ये है, पानी इस टैंक के थ्रू इस पाइप में आ रहा है, दिस इज अ इनलेट एंड दिस इज आउटलेट। पावर ट्रांसमिशन आप आउटलेट पे जो एनर्जी या जो हेड है उसके थ्रू निकालते हैं, ठीक है, यही मैंने बोला, इनलेट पे जो हेड है दैट इज एच। डायमीटर ऑफ द पाइप इज डी एंड द लेंथ ऑफ पाइप इज एल। ओके, सो इफ द वॉटर इज फ्लोइंग विद वी वेलोसिटी इन दिस ए बी पाइप, so L is the length of the pipe, D is the diameter of the pipe, H is total head available at the inlet of the pipe, V is the velocity flow in pipe, HF, मैंने आपको already HF के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि HF क्या होता है, minor जो loss होता है, जो frictional loss होता है, क्योंकि हम जो minor losses है उनको हम exclude करते हैं और जो major जो loss है जो friction की वजह से उसको हम include करते हैं। तो जो HF हमने अभी तक पढ़ा हुआ था इसका फॉर्मूला ऑलरेडी वी स्टडीड एंड एफ इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू एक फिक्स मेटल पर डिपेंड करती है कि पाइप किस मटेरियल का बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि इनलेट पे हेड एच है तो आउटलेट पे जो हेड अवेलेबल होगा उस पे हमारा पावर ट्रांसमिशन डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, सो this is a small derivation type, you have to do it,
सो हम अगर इस पर्टिकुलर फिगर में देखते हैं द हेड अवेलेबल एट आउटलेट ऑफ द पाइप इज माइनर लॉसेस. माइनर लॉसेस को हम निग्लेक्ट करते हैं हमेशा. तो हेड अवेलेबल अगर आप आउटलेट पे निकालेंगे तो आप टोटल हेड जो इनलेट पे है उसमें से जो लॉस हो रहा हैड फ्रिक्शन की वजह से पाइप के अंदर उसको माइनस कर देंगे तो आउटलेट पे आ जाएगा. ठीक है, इनलेट पे एच है, इसके अंदर जो फ्रिक्शन लॉस है उसको माइनस कर देंगे तो आउटलेट पे हेड लॉस आपको पता चल जाएगा. तो आपने एच माइनस एच एफ किया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच एफ? 4FLV² / 2GD. दैट वी ऑलरेडी नो. ठीक है, यू शुड लर्न दिस. तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी. इसके बाद मैं लिखती हूँ वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकेंड. अगर हम वेट ऑफ वाटर, पानी जो फ्लो कर रहा है उसका पर सेकेंड निकालते हैं तो वेट क्या होता है रोजी? वेट क्या होता है आपका, आप ऐसे समझिए ना, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम. आप ऐसी वेट निकालते हैं ना, मतलब आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट बाई वॉल्यूम होता है. ठीक है, पर यूनिट टाइम के लिए आप ले रहे हैं तो आपने यूनिट वेट मतलब गामा, गामा को हम रो इनटू जी लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड. तो मैंने वेट ऑफ द वाटर निकालने के लिए वेट ऑफ द वाटर निकालने के लिए रो इनटू जी और वॉल्यूम को मैंने एरिया इनटू वेलोसिटी लिख दिया. एरिया क्या है सर्कुलर पाइप का आपका? पाई बाई 4D² और वेलोसिटी आपकी वी. वी वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा था. तो ये इक्वेशन आ गई. ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट. आपको पावर जो है वो ट्रांसमिशन आउटलेट पे निकालना है. ठीक है, तो पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट होता है वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड जो आपने निकाला इनटू हेड एट आउटलेट. आप इसका और इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी ये इक्वेशन आ गई. यहाँ पे जो पावर है वो आपकी वाट्स में आ जाएगी. ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट ऑफ पाइप वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड इन द हेड एट द आउटलेट. आउटलेट पे जो हेड होता है उसकी हेल्प से हम निकालते हैं. आउटलेट पे हेड है आपका एच माइनस 4FLV² / 2GD. ठीक है, आपने से 1000 से डिवाइड कर दिया तो इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट ऑफ द पाइप? इस पाइप के आउटलेट पे पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला आपके पास आ गया रोजी अपॉन 1000π/4D² × V. ब्रैकेट में एच माइनस 4FLV² / 2GD किलोवाट. इसको आपको न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना पड़ेगा. इसको आप लिख लीजिए पूरा ही. आप लिखेंगे कैसे निकाला है, इसके बाद ये पी का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, तो अब इस पी के फॉर्मूले में आप देखें क्या क्या चीजें क्या है आपकी. तो इसमें जो रो है, रो क्या है आपका? डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी हो गई आपकी. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी. पाई, डी इज द डायमीटर ऑफ पाई, वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एच इनलेट पे जो हेड अवेलेबल है, एफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एल इज द लेंथ ऑफ पाइप, वी इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड इज द डायमीटर इन किलोवाट. वी कैन फाइंड आउट दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन आपको निकालना है. तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा. न्यूमेरिकल वी विल डू फर्दर. सो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन जो ईटा होता है वो होता है पावर अवेलेबल एट आउटलेट ऑफ पाइप अपॉन पावर सप्लाई एट द इनलेट ऑफ द पाइप. ठीक है, पावर जो आउटलेट का है वो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड इनटू हेड अवेलेबल एट द आउटलेट. और पावर सप्लाई एट इनलेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड इनटू हेड अवेलेबल इन इनलेट. मतलब वेट का आपको हेड से मल्टीप्लाई करना है आउटलेट के लिए, वेट का आपको हेड से मल्टीप्लाई करना है इनलेट के लिए. तो ईटा आउटलेट पे आपका वेट क्या है, W. आउटलेट पे आपका जो हेड है वो क्या है, कैपिटल एच माइनस एच एफ. मतलब इनलेट पे हेड माइनस जो फ्रिक्शन लॉस हुआ है. ठीक है, अपॉन वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड W. ठीक है, हेड इनलेट पे क्या है, H. देख लीजिए ये इनलेट है, इसमें हेड H है, यहाँ पे इनलेट एच माइनस एच एफ. तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, इसको मैंने सिंपलीफाई किया तो क्या आ गया आपका, एच माइनस एच एफ अपॉन कैपिटल एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन. इसको आप नोट कर लीजिए. एफिशिएंसी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और पावर के लिए वी विल यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. ठीक है,
तो आप इसको लिख लीजिए हेड इनलेट और जो आपका हेड लॉस है HF क्या है 4FL/V, 4FL/4DV2, ये है फॉर्मूला 4FL/V2/2GD, ठीक है सॉरी ये वाला आपका फॉर्मूला है 4FL/V2/2GD HF का। तो आपने यहाँ से एफिशिएंसी के लिए भी देख लिया, ठीक है। नाउ एफिशिएंसी आपने निकाल ली, इसके बाद ये कंडीशन है कि अगर हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए बात करते हैं कि पावर मैक्सिमम ट्रांसमिट हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उसका डेरिवेटिव जो है वी, तो उसके रिस्पेक्ट में पावर ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसमिट होने के लिए उसमें लॉसेस जो है वो कम होने चाहिए। हेड जितना ज्यादा अवेलेबल होगा एनर्जी मतलब लॉसेस माइनर होने चाहिए, तो हमने उस पी की जो पावर है इक्वेशन उसको डेल वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मिनिमम कर दिया उसको, ठीक है। तो आप उस इक्वेशन पी की जो इक्वेशन है उसको वी के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज कर दीजिए, हमने इसको इसको डिफरेंशिएट किया और इसको इक्वल्स टू जीरो किया, तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आई है। ये डिफरेंशिएशन तो हम कर ही लेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू वहां निकाल दी है और इंडिविजुअली आपने इसको डिफरेंशिएट किया है वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल एच इज इक्वल टू 3HF कंडीशन आ गई, मींस HF इज इक्वल टू H/3। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, यू शुड लर्न दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन द न्यूमेरिकल पोर्शन। HF इज इक्वल टू कैपिटल H/3, अगर हमें सपोज हमें किसी पाइप में पावर ट्रांसमिशन निकालना है, इसके बाद उसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, एक ही क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, HF इज इक्वल टू H/3, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इट स्टेट्स दैट पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज मैक्सिमम व्हेन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल हेड एट इनलेट। टोटल हेड इनलेट का जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, 1/3 हो जाए, तो हमारी पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाती है। इस कंडीशन को आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके नाउ ओके मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन हमने देख ली, इसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर इसके लिए हम देखते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जो ईटा था इसका फॉर्मूला हमने ये निकाला था कैपिटल H/HF/H, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जबकि पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो, तो HF की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ईटा मैक्सिमम कब होगा 2/3 66.7%, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप द कंडीशन इज गिवन बाय दिस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट ईटा मैक्सिमम, ईटा मैक्सिमम कितना है 66.7, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पावर ट्रांसमिशन एंड मैक्सिमम पावर of water flowing through the pipes, okay, so we should do remember these all conditions first, theek hai, later on we will take numerical about these particular topics and I already told some numerical to you and we I just again come on that, so you just note out these thing, we will take the numerical afterwards. We are discussing flow through pipes, ठीक है। यहाँ पे हमने losses पढ़े हैं, Darcy's equations पढ़ी हैं, okay? And we have to do different type of numerical with the help of formulas. So today we will take two numericals. Okay. This one. This is also comes under power के ऊपर मैं numerical अपने next lecture में लूंगी। ये जो दो numerical हैं, ये भी आपके exam में पूछे जाते हैं, ये भी flow through pipes में आते हैं, इनको भी आपको करना है। So you can write down this numerical. The numerical is
The pipe of a siphon has 75 mm diameter and discharges water to the atmosphere as shown in this figure. ये फिगर है, okay? Neglecting all possible losses, determine the velocity of flow, find the discharge, what is the absolute pressure at the point 2. ये आपका फिगर है. एक टैंक है जिससे ये आपका एक पाइप जुड़ा हुआ है. ये आपका बॉटम है जिससे इस टैंक के वाटर लेवल तक की हाइट आपकी 2 मीटर है और इसके हेड तक की 1.2. ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. दिस इज अ फिगर. ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपसे डिस्चार्ज या वेलोसिटी पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन. हमने बर्नौली इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है. व्हाट डज इट से? डैटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड कांस्टेंट एट टू सेक्शन इफ द वी एक्सक्लूड द लॉसेस. ठीक है, एनर्जी को अगर हम कंजर्व मानते हैं तो दो पॉइंट पर हम बर्नौलीज इक्वेशन को लगा सकते हैं. तो वी कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 and 3 सपोज. ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों पॉइंट पर बर्नौलीज इक्वेशन को लगाया है. वहां से आपने V3, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है पानी की, ये निकाला है. कैसे? बर्नौलीज इक्वेशन आपने 1 और 3 पे लगाया है. तो 1 के लिए जो डेटम हेड है आप प्रेफरेंस यहाँ से ले रहे हैं. डेटम हेड क्या है? 2. ठीक है, 1 पे. प्रेशर हेड 0 है क्योंकि कोई पानी प्रेशर एग्जर्ट्स नहीं है अभी राइट नाउ एंड पानी फ्लो भी नहीं कर रहा है. वेलोसिटी वो तो एक्चुअली जो लेवल है वो कांस्टेंट और पानी कांस्टेंट हेड के साथ इसमें फिल है. ठीक है, तो आपका प्रेशर हेड 0 है, वेलोसिटी हेड 0. अगर आप 3 पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका डेटम क्या है? डेटम 0 हो गया, प्रेशर 0 हो गया और जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका? V³² / 2g. ठीक है, जिस वेलोसिटी से पानी ये बाहर आ रहा होगा. तो इन दोनों पे आपने अप्लाई करके V3 निकाल दिया. अगर आप V3 निकालेंगे तो आप इस यहाँ से जो डिस्चार्ज कितना हो रहा है वो निकाल सकते हैं. V3 into area. तो आपने यहाँ से डिस्चार्ज एट 3 निकाल दिया. ठीक है, सिमिलरली सेक्शन पॉइंट सी अप्लाई आपने बर्नौलीज इक्वेशन को 1 and 2 पे किया. वन एंड टू पे आपने बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई किया. तो 1 और 2 पे हमने कैसे किया? 1 पे डेटम हेड, प्रेशर हेड 0, वेलोसिटी हेड 0. 2 पॉइंट कहाँ है आपका? ये है. तो 2 पे जो आपका डेटम हेड क्या होगा? 2 + 1.4. और प्रेशर यहाँ पे पानी ऐसे आ रहा है तो प्रेशर क्या है? P2/ρg भी सपोज. एंड वेलोसिटी यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है V3/2g. तो यहाँ से P2 की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके हम निकाल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो इन दिस वे वी कैन डू सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, आप एक न्यूमेरिकल इसे भी नोट कर लीजिए. A pipe transmits water through a tank A to point C that is lower than water level in the tank by 4 meter. The pipe is 100 mm diameter and 15 meter long. The highest point of the pipe B is 1.5 meter above the water level. Tank and 5 meter long from tank. The friction factor 4F. 4F kitna diya hai? 0.08. With sharp inlet and outlet of the pipe. Determine velocity of water leaving the pipe at C. Calculate the pressure in the pipe at the point B. ये आपका figure है. A, B, C. ठीक है,
आपको ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, हेड लॉस एट द एंट्री। ठीक है, हेड लॉस हमेशा एंट्री और एग्जिट पे हम लोग 0.4 वी स्क्वायर बाय 2 जी लेते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट, हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट इनटू एयर विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वी एज्यूम 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अगर मैं ए और सी पे अप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिए, डेटम हेड प्रेशर हेड 0, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ के लिए जो डेटम हेड है वो जेड सी, प्रेशर 0 और वेलोसिटी सपोज वी सी है तो वी सी स्क्वायर बाई 2 जी। साथ में जो एग्जिट है, एग्जिट के लिए आप यहाँ पे हेड लॉस को ऐड करेंगे तो 0.5 वी स्क्वायर बाई 2 जी। ठीक है, साथ में आप जो पाइप में फ्रिक्शन लॉस हुआ है उसे भी आप ऐड करते हैं, 4fL v² / 2 gb, तो मैंने उसे भी ऐड किया। ओके, अब आप सारी वैल्यू रख दीजिए तो ZA कितना है आपका 4 गिवन, A 2.C लोअर देन वाटर लेवल इन द टैंक बाय 4 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू v² / 2 g, सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं, इसकी सारी जो जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो आपने रख दी, यहाँ से VC की वैल्यू आपने निकाल दी, दैट इज 1.26 मीटर पर सेकेंड। आप इसको एक बार खुद करके देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं सब समझ पाऊंगी। इसके बाद आप ए और बी पे अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन ए एंड बी सिमिलरली। ठीक है, तो डेटम हेड प्रेशर हेड 0 है ए पे, वेलोसिटी बी पे हमने सारे, साथ में आपको ये तीन एनर्जीज तो हैं, ठीक है, साथ में ये दो चीज आपको और ऐड करनी होती है, एक तो एग्जिट पे जो आपका लॉस है और दूसरा जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर आप इसकी वैल्यू जेड ए आपका क्या है -1.5, जेड ए देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये है द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द पाइप बी इज अबव द वाटर लेवल, अगर हम लेवल ये देखते हैं तो यहाँ से -1.5 होगा डेटम हेड बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको -1.5 लिया है। सारी वैल्यूज मैंने इसमें रखी और यहाँ से पीवी की वैल्यू सॉल्व कर ली है। ओके, सो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यू कैन डू बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो वेयर यू हैव फेसिंग प्रॉब्लम। फ्लो थ्रू पाइप सिस्टम, पाइप्स इन सीरीज, पाइप इन पैरेलल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब पाइप को सीरीज में लेते हैं तो हमें हेड लॉस इंडिविजुअल पाइप्स का, आपने देखा सीरीज के लिए इंडिविजुअल पाइप्स के हेड को आपको ऐड करना होता है टोटल हेड लॉस निकालने के लिए। ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, और पैरेलल में निकालने के लिए हेड लॉस आपके हर एक इंडिविजुअल पाइप का इक्वल होता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन यूज क्यू इज इक्वल टू q1 + q2 फॉर फाइंडिंग द टोटल डिस्चार्ज इफ टू पाइप्स आर कनेक्टेड पैरेलली, अगर दो पाइप ये पैरेलल है, एक में डिस्चार्ज आपका q1 है, दूसरे में आपका q2 है, इसमें HF1 है, इसमें HF2 है, तो दोनों में जो टोटल हेड लॉस होगा वो हम क्या होगा इंडिविजुअल्स के बराबर होगा, एंड क्यू इज इक्वल टू q1 + q2। आप इसके भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल। इसमें आप देखिए दो पाइप्स हैं जो कि आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, डायमीटर डिफरेंट है दोनों के, लेंथ डिफरेंट है, और इनका जो आपका ये जो आपका डेटम है इसका जो वाटर लेवल है वो आपका 8 मीटर पे है पाइप के सेंटर से। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल जो हेड लॉस है उसको हम ऐड करेंगे हेड लॉस निकालने के लिए, ये देखिए आप। ठीक है, एफ की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, एच एफ का फॉर्मूला ये हम डिस्चार्ज के टर्म्स में डायरेक्टली यूज करते हैं, तो हमने डिस्चार्ज की टर्म्स में दोनों पाइप में ये फॉर्मूला यूज किया है, सारी वैल्यूज आपको गिवन थी वहां से आपने डिस्चार्ज निकाल दिया, और डिस्चार्ज यूनिट क्या होती है m³/s। सो इन दिस वे वी कैन डू सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है,
यहाँ पे आप देखें ये पैरेलल कंडीशन वाला है. पैरेलल के लिए देखिए टू पाइप्स आर कनेक्टेड. ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. पैरेलल बिटवीन टू रिजर्वर, अगर दो जो पाइप्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक के लिए जो डिस्चार्ज आपने निकाला दूसरे के लिए भी डिस्चार्ज क्या होता है, सेम होता है. सॉरी, जो हेड लॉस आपका होता है वो दोनों पाइप्स में हम सेम एज्यूम करते हैं, और वहां से आप डिस्चार्ज इंडिविजुअल निकालेंगे और उसको बाद में ऐड कर देंगे. सो इन दिस वे वी कैन डू सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन गाइज. इफ यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी. आई एम वेरी आई विल ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू.